हाय गाइस, मैं हूँ स्पर्धा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द इनसाइट वंडर में। सो गाइस, बहुत दिन हो गए थे मैंने आपके साथ कोई स्किन केयर रूटीन नहीं शेयर किया था, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आज का वीडियो ऐसा अपलोड करूँ जिसमें मैं आपको बताऊँ कि मैं अपने घर में अपने स्किन से सूटेबल किस तरह से फेस पैक तैयार करती हूँ और उसे यूज़ भी करती हूँ। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी गाइस, जो हमारे पास डिफरेंट तरह के स्किन्स है, जैसे किसी की स्किन जो है वो ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की सेंसिटिव होती है, तो किसी की पिगमेंटेड होती है। गाइस, इस तरह से सभी तरह के स्किन के लिए मैं आज बताने वाली हूँ कि हम होममेड फेस पैक किस तरह से तैयार कर सकते हैं। सो प्लीज मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। उससे पहले गाइस, मेरे वीडियो के नीचे आ रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिसमें ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक कर दें, और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो गाइस, आइए वीडियो शुरू करने से पहले कर लेते हैं थोड़ी सी चिट चैट। तो आप हमेशा ऐसा सोचते होंगे कि मैं अपने चैनल पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स क्यों लेके आती हूँ, मेरा चैनल का थीम जो है वो एक ही क्यों नहीं रहता है, कभी मैं फैशन से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस लेकर के आती हूँ, तो कभी ब्यूटी से रिलेटेड, तो कभी पूजा पाठ व्रत त्यौहार पर भी मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। तो मैं बता दूँ गाइस कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम अपने डेली लाइफ को जीते हैं तो हमें ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही तरह की प्रॉब्लम्स बार बार आए। हमें अपने लाइफ को जीने के लिए या उसे अच्छे से चलाने के लिए हर तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो हमें मल्टीटास्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें डिफरेंट तरीके के नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास एक चैनल तो ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे डेली लाइफ के हर प्रॉब्लम्स को मीट करे, हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेकर के आए। तो इसी तरह से गाइस, मैंने सोचा है कि मैं अपने डेली लाइफ में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करती हूँ, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, तो अगर आप भी फेस कर रहे हो तो मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने जो उसके लिए सॉल्यूशंस निकाले हैं, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँ और वो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सके जैसा कि मेरे लिए हुआ है। इसलिए इस चैनल को मैंने खोला है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस थीम से काफ़ी ज़्यादा खुश हुए होंगे, क्योंकि ये चैनल जो है वो अपनी जर्नी को बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल बनाने वाला है। तो जुड़ जाइए मेरे इस चैनल के साथ। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का एपिसोड। तो मैं बता दूं गाइस कि आज का एपिसोड जो है वो डिफरेंट तरह के फेस पैक पर बेस्ड होने वाला है, किस तरह से हम अपने घर में हर तरह की स्किन के लिए इफ़ेक्टिव फेस पैक बना सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बताऊं गाइस कि मेरी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड हुआ करती थी जब मैं टीन एज में थी, तभी से मुझे पिम्पल्स आने शुरू हो गए थे। और मैं बताऊँ कि अभी तक मैंने पिम्पल्स को हटाने के लिए, अपने पिम्पल्स को जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपना लिए थे, बट फाइनली मुझे वो रास्ता मिल ही गया जिस तरह से मैं अपने घर में कुछ पैक तैयार करके खुद को अप्लाई करती हूँ। और कम से कम मैं हफ्ते में एक बार इसे जरूर ट्राई करती हूँ, नहाने से पहले मैं इसे अप्लाई करती हूँ और उसके बाद 10 मिनट बाद मैं इसे धो लेती हूँ। इससे मेरी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन फ्री हो चुकी है। सो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पहला पैक जो कि मैं अपने घर पर यूज़ करती हूँ, तो आइए देखें। इस पैक को बनाने के लिए गैस मैं लेती हूँ एक छोटी चम्मच बेसन जो कि फुल चम्मच है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ गैस, उसमें आधी छोटी चम्मच में हल्दी मिला लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें पेस्ट तैयार करने के लिए रोज़ वाटर का इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसमें रोज़ वाटर डाल दिया है और इसे मैं घोल करके एक पेस्ट तैयार करूँगी जिसे मैं अप्लाई करूँगी अपने चेहरे पर। उससे पहले मेरा चेहरा वेट होना ज़रूरी है। इसके बाद गाइस, जो मैंने पेस्ट तैयार किया है उसे मैं अपने गीले चेहरे पर हाथों की सहायता से ही अप्लाई कर लेती हूँ और उसे मैं अपने चेहरे से होते हुए नेक तक अप्लाई करती हूँ। इसके साथ मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं जब भी अप्लाई कर रही हूँ तो उसकी हर जगह पर लेयरिंग एक समान हो, इससे जो रिज़ल्ट आता है वो इक्वल होता है। हल्दी में गाइस एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जिससे आपके चेहरे पर जो कील मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं, वो सारे जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं इसे अपने चेहरे पर लगभग लगभग 10 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक रखती हूँ और जैसे ही ये ड्राई हो जाता है इसे नॉर्मल वाटर से वॉश करके अपने चेहरे को सुखा लेती हूँ। बताती हूँ कि अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रुखी है, तो आप किस तरह से अपने घर में एक पैक तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस, आप बेसन में हल्दी, शहद और दूध तीनों को मिलाकर के पेस्ट बना लो गाइस। इसे पेस्ट बना करके अपने चेहरे पर लगा सकते हो और इसे लगाकर आपको कम से कम 20 मिनट तक इसे अपने चेहरे पर रखना है। और इससे गाइस क्या होगा कि आप 20 मिनट के बाद जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा तो आप उसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लो।
तो गैस इस तरह से जो आप पैक बनाते हो तो इससे क्या होता है कि आपके रंगत में भी निखार आती है, साथ साथ आपकी स्किन जो ड्राई है वो ओवर ड्राई ना होकर के उसे नमी भी मिलती है शहद के साथ में। तो इस तरह से गैस आप अपने ड्राई स्किन के लिए भी एक पैक बना सकते हो। नेक्स्ट ड्राई स्किन के बारे में, तो आइए जाने कि ऑयली स्किन के लिए हमें किस तरह का पैक बनाना है। तो ऑयली स्किन के लिए हमें गैस जो फेस पैक बनाना है उसमें हमने सबसे पहले दही, दही में बेसन और थोड़ा सा रोज वाटर मिला करके एक पेस्ट बना लेना है और अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। 20 मिनट के बाद जब आपका चेहरा पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो आप उसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। नेक्स्ट जो है गैस, आप ऑयली स्किन के लिए एक और फेस पैक बना सकते हो। उसमें आप क्या कर सकते हो गैस कि बेसन, उसमें शहद, एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा दूध, इस तरह का पेस्ट आप अपने ऑयली स्किन पर लगाओ और उसे 20 मिनट बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लो। ये आपके चेहरे के सारे ऑयल को अच्छी तरह से साफ कर देगा, उसके साथ साथ आपके चेहरे को प्रॉपर और बैलेंस्ड नमी भी देगा। सो गाइस, अब ऑयली स्किन के बाद हम बात करते हैं पिगमेंटेड स्किन का। अगर आप अपने चेहरे पर मुहासों और मुहासों के बाद में आए हुए दाग धब्बों से परेशान हो तो आप क्या कर सकते हो गाइस, जो कि मैंने फेस पैक आपको दिखाया है जो मैं यूज़ करती हूँ, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बेसन, बेसन में हल्दी और उसके साथ में रोज़ वाटर, इन तीनों को मिला लो। बेसन का मात्रा आपको थोड़ा ज़्यादा रखना है, उसके बाद आधी छोटी चम्मच आप हल्दी की ले सकते हो। उसके बाद जो है उसे रोज़ वाटर के साथ पेस्ट बना लो, अपने चेहरे पर अप्लाई करो और ड्राई होने तक आप अपने उसे चेहरे पर रखो। उसके बाद आप उसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लो। इसका जो अफेक्ट होने वाला है बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसके बाद गैस हम बात कर लेते हैं कि अगर मुहासे जब चले जाते हैं तो हमारे जो पोर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, हमारे चेहरे पर खुरदुरापन आ जाता है, तो हम उसे किस तरह से क्योर कर सकते हैं। तो हमें ओपन पोर्स की समस्या को उससे पीछा छुड़ाने के लिए हमें क्या करना होगा कि खीरे को कद्दूकस कर लेंगे गैस, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसमें गुलाब जल मिला करके अपने चेहरे पर लेप लगाएंगे। ऐसा करने से हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं वो टाइटन अप हो जाते हैं और उनसे हमें छुटकारा मिलता है। इसके अलावा गैस, कुछ लोगों को अपने चेहरे पर फेशियल हेयर की समस्या होती है गैस, उनके चेहरे पर जो फेशियल हेयर होते हैं वो काफ़ी तेजी से ग्रो करते हैं। तो आपको क्या करना है इसके लिए कि बेसन में थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लेना है और इसे अपने चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करना है। इस तरह से आप अपने फेशियल हेयर की समस्या से छुटकारा पा सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि बेसन की एक लोई भी बना सकते हो जिसे अपने चेहरे की मालिश कर सकते हो। अगर आप ऐसा डेली बेसिस पे करते हो गैस तो ये आपके फेशियल हेयर का ग्रो कम कर देंगी और आपके बहुत सारे फेशियल हेयर को ऐसे ही साफ कर देंगी। हम ऐसा कभी कभी पाते हैं कि जब भी हम बाहर से आते हैं या धूप में से आते हैं तो हमारा चेहरा जो है वो काला पड़ जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं गैस कि हम बेसन में 1 चम्मच नींबू का रस और थोड़ा सा गुलाब जल मिला करके एक पेस्ट बना सकते हैं। उसे हम अपने चेहरे पर अप्लाई कर लें, सुखा लें और उसके बाद नॉर्मल वाटर से धो लें। इससे हमारे चेहरे का कालापन दूर हो जाता है। तो गैस, मेरा ये एपिसोड था जिसमें मैंने बताया कि हम अलग अलग तरह के स्किन के लिए घर ही पर किस तरह से हम अपना फेस पैक तैयार कर सकते हैं। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो मेरे नेक्स्ट वीडियो तक, बाय बाय।